छतरपुर में एक कोरोना मरीज रिश्तेदार की शादी में खाना बनाता पाया गया, जिसके बाद प्रशासन ने दूल्हा दुल्हन सहित 86 लोगों को क्वारंटीन कर दिया। वहीं मरीज को जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। छतरपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीज को लेकर प्रशासन की गंभीर लापरवाही सामने आई है। लापरवाही के चलते दूल्हा दुल्हन सहित 86 लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है। मामला बड़ा मलहरा का है, जहां एक युवक को होम क्वारंटीन करवाया गया था और उसका सैंपल जांच के लिए भेजा गया था, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के चलते यह संदिग्ध मरीज बंधा चंदोली गांव में अपने एक रिश्तेदार की शादी में खाना बनाता रहा। और जब इस मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो प्रशासन की टीम उसको लेने बड़ा मलहरा पहुंची, जहां उस मरीज की तलाश की गई तो पता चला कि मरीज एक शादी समारोह में मौजूद है। रात में ही जिला सीईओ ने पूरे एरिया को क्वारंटीन एरिया घोषित कर दिया, जिसके बाद सीईओ ने दोनों नव जोड़ों की शादी करवाई और दूल्हा दुल्हन सहित पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए 86 लोगों को होम क्वारंटीन करवा दिया। आज ये जबकि विषम परिस्थिति है कि हमारे यहाँ कोरोना की महामारी चल रही है, परंतु जहाँ पे जो कोरोना का पॉजिटिव पेशेंट था, सबसे पहले तो उसको हमने यहाँ से अस्पताल भेज दिया गया है ताकि यहाँ पे और संक्रमण ना फैले। उसके बाद फिर ये हुआ कि एक बच्चे की शादी हो रही थी, तो और फिर आज ही का मुहूर्त था, तो हमने सोचा कि चलो बच्चे की शादी जरूर करानी चाहिए, हमें नहीं रुकवानी चाहिए। इसके लिए हमने क्या किया कि जो वर की तरफ के 3 लोगों को बुला लिया और उनके अब हम लोगों ने अब शादी करवा रहे हैं, पूरा कार्यक्रम करवा रहे हैं। इसके बाद जो वर है, वधू है और उनके जो 2 लोग और साथ में आए, उन सबको होम क्वारंटाइन कर देंगे और अगले 14 दिन तक उनका ये ध्यान रखा जाएगा कि किसी तरह के कोई लक्षण ना हो। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।